पार्टी की तरफ से संसद में जो बयानबाजी हुई है सही मायनों में ड्रामाबाजी हुई है। अरे कुछ लोगों ने कुछ हद तक नौटंकी की है। इतने गंभीर मसले पे मणिपुर के विषय पे अरे यार हटना चर्चा या विश्वास प्रस्ताव विजय नहीं रहा भाई पिछड़ बात गंभीरता पूर्वक बात तोड़ लगा को आता यार हंसी मजाक करना लोगों का मजाक बर्जेस पीछे करो ना यार तो पीछे हमको सब हाथ पकड़ के खींच रहा हम क्या कर सकते हैं। एक तो तीन तीन महीने से ज्यादा हो गए पीछे करो ना जवाब माइक बंद के किधर ना पहले मुंह पर सटा मुंह पर नहीं सटा रहे आप हम तो हाथ पकड़ खींच रहे हम करते हुए दिखे और जब आए बड़ी देर कर दी मेहरबान आते आते मजबूरी में जब उनको लाया गया चाहे जब क्या करिएगा इसको संसद में आए मणिपुर पे चर्चा करने के लिए तो किस तरह से चर्चा किया उन्होंने देखा किस तरह से ड्रामा हुई। लेकिन हाँ उसी में कुछ लोगों ने अरे मेरा नहीं बनेगा यार बहुत ही दमदार बहुत ही जबरदस्त बहुत ही शानदार स्पीच दिए जिनका उल्लेख करना जरूरी है। जैसे कि हमारे गगोई ने बहुत बढ़िया ओपनिंग की फैंटास्टिक राहुल गांधी ने इस तरह से पेश किया लोगों को जो ऊर्जा प्रदान की उन्होंने अपने अपनी गहराई विषय की गहराई से कर रहा तो देखिए मैं समझ मेरा ही नहीं रहा गांधी के चंद सबसे बढ़िया भाषण में आज तक के एक भाषण का पार्लियामेंट का था। उसी तरह से स्वागतो राय साहब ने एक बात की टीएमसी के या महुआ मित्रा ने जो की या एनसीपी की हमारी सुप्रिया सुले ने जो बात की या उसका भी उल्लेख करना जरूरी है जो मुलायम सिंह जी की बहू हमारे लेट और ग्रेट मुलायम सिंह जी अखिलेश यादव जी की धर्म पत्नी डिंपल यादव ने जिस तरह से प्रचार किया मामले को या और साउथ के लोग जिस तरह से आए और अपनी बातों को रखा इन बातों पे रोशनी डालने की कोशिश करनी चाहिए थी। बहुत प्रभावशाली इन लोगों का स्पीच रहा वो भी बहुत कुछ लर्निंग एक्सपीरियंस रहा सबके लिए। लेकिन हाँ हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी जो हमारे मित्र भी हैं और सोसाइटी के फ्रेंड हैं भारत के प्रधानमंत्री हैं अब उन्होंने जिस तरह से बात दो घंटे से ज़्यादा जिस तरह से बात उन्होंने देखा और उसे कई बार तो लगा कि वो इलेक्शन का प्रचार करने आए हैं ज़्यादातर करके इलेक्शन का प्रचार कर रहे हैं मणिपुर से शायद उनका और ज़्यादा लेना देना नहीं है ऐसा दिखा कि प्रधानमंत्री जी जो है प्रचार मंत्री बनकर बात कर रहे हैं इसलिए मैं इससे ज़्यादा और इस वक्त कुछ नहीं कर सकता। चलिए थैंक यू वेरी ये लो मुंह मीठा करो आज मैंने अपना जॉब छोड़ दिया अब हम पूर्णिया वापस जाएंगे। जॉब छोड़ दिया है मतलब ये घर कैसे चलेगा हम करेंगे क्या और माँ बाबू जी क्या बोलेंगे। इसलिए मैं एक और मिठाई का डब्बा लाया अपने बिजनेस के लिए लोन अप्रूव हो गया। अरे लोन अप्रूव हो गया वो तो ठीक है लेकिन पूर्णिया में हम रहेंगे कहाँ अपना घर भी तो नहीं है वहाँ। इसलिए तो एक और मिठाई का डब्बा अलग से लाया हूँ हमने पूर्णिया में घर ले लिया है पूर्णिया के ई होम्स पैनोरमा में। पूर्णिया में पैनोरमा ग्रुप लेकर आए हैं ई होम्स पैनोरमा बड़ा घर आलीशान जिंदगी और अत्याधुनिक सुविधाओं के संग। अरे अरे अब क्यों मुंह मीठा करवा रही हो क्योंकि हम घर वापसी जो कर रहे हैं। घर वापसी की खुशी पूर्णिया में ई होम्स पैनोरमा के संग। ई होम्स पैनोरमा लग्जूरियस लाइफस्टाइल रीडिफाइंड।